हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीवी रियल्टी लिमिटेड की, यानी कि रियल्टी के उस शेयर की जिसने तूफान मचा रखा है। यानी कि आप यहां समझ सकते हैं किस हिसाब से एक महीने के अंदर इस शेयर के अंदर जो 88% से ज़्यादा के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी बढ़िया इसने रिटर्न जनरेट करते हुए एकदम तूफान मचाता हुआ आप देखेंगे तो यहाँ दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर जो हाई बनता हुआ नज़र आ रहा है 132 का हाई, और वहाँ से ये इस समय टूटता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि इस शेयर के अंदर जो न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही थी उसके बाद से इस शेयर का रॉकेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ईयर टू डेट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 143% तक के रिटर्न इस शेयर के अंदर से निकले हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो पहले भी रॉकेट की तरह इसने मूवमेंट बनाई थी, फिर दोबारा से एक करेक्शन आता है मार्केट के अंदर, और फिर यहाँ एक महीने के अंदर यानी कि जो ये प्राइस है ये यहाँ से फिर से तूफान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि डीवी रियल्टी के अंदर ऐसा क्या चल रहा है कि लोग इसके पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं और माल पूरा का पूरा गायब हो गया है। अब ये शेयर पिछले 5 दिन के अगर डाटा को देखें तो अपने हाई को बनाने के बाद ये जो इसने हाई बनाया या 136 का हाई, वहाँ से ये टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। 23 सितंबर का इसका जो हाई है और वहाँ से फिर ये 2-3 दिन से अगर आप देखें तो ये देखिए, ये आज जब मंडे को मार्केट खुली है तो ये नीचे की तरफ तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस शेयर के अंदर ऐसी क्या बड़ी खबर है उसी की हम बात करेंगे कि क्या इस शेयर के अंदर इतना बड़ा पोटेंशियल नज़र आ रहा है कि जिस हिसाब से इसकी एक महीने के अंदर जो रैली दिखाई दे रही है, या ऐसी कौन सी बड़ी खबर है जिसका इस शेयर के अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, जिसके बाद या उससे पहले ही इस शेयर की इतनी ज़्यादा ख़रीदारी बढ़ गई है। उसको आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से मुंबई की कंपनी के शेयर में हर दिन अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है, और कंपनी के शेयर महज 22 दिन के अंदर ही 126% तक चढ़ गए हैं। जी हाँ जी, और इस समय जो फ़ोटो आप देख रहे हैं वो गौतम अडानी जी की फ़ोटो है, और मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूँ कि यहाँ पर जो मुंबई की इस कंपनी के अंदर इस समय जो बड़ी खबर आती हुई नज़र आ रही है कि डीवी रियल्टी के शेयरों में तेज़ी के पीछे दुनिया के तीसरे सबसे अमीर बिजनेसमैन और गौतम अडानी के प्रमुख यानी कि अडानी ग्रुप जी के प्रमुख गौतम जी की वजह से इस शेयर के अंदर इस समय तेज़ी आती हुई नज़र आ रही है। दरअसल खबर है कि अरबपति गौतम अडानी की लग्जरी आवासीय और कमर्शियल प्रॉपर्टी अडानी रियल्टी मुंबई स्थित डीवी रियल्टी के साथ मर्जर हो सकती है। यानी कि अडानी प्रॉपर्टीज़ को आप समझेंगे तो वो डीवी रियल्टी के साथ मर्जर हो जाएगी, और इन्हीं खबरों के कारण ये आज से नहीं है, ये बहुत टाइम से चलता हुआ नज़र आ रहा है। और यही रीज़न है कि इस समय इस शेयर के अंदर रह रहकर जैसे जैसे खबरें और जैसे जैसे पेपर साइन वाली सीन होता हुआ दिखाई दे रहा है इसके अंदर खबरें, और उन खबरों के बाद ये शेयर भागता हुआ नज़र आ रहा है। डीवी रियल्टी का नाम बदलकर अडानी रियल्टी कर दिया जाएगा। बता दें कि यह देश का अब तक का सबसे बड़ा रियल्टी सौदा हो सकता है, क्योंकि पैसा बहुत है अडानी जी के पास। डीवी रियल्टी के शेयरों का हाल, डीवी रियल्टी के शेयर पिछले 5 दिनों में 21% तक चढ़े हैं, और इस समय आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं किस हिसाब से इस शेयर ने छप्पड़ रिटर्न जनरेट करते हुए बहुत बढ़िया तरीके से एकदम से मालामाल करते हुए आप यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर इतनी बड़ी तेज़ी को देख पा रहे हैं। एक बार मैं इसके फाइनेंशियल रूप से किस हिसाब से यह कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है और किस हिसाब से इस कंपनी के अंदर आपको आने वाले टाइम में कारोबार होता हुआ नज़र आएगा। डीवी रियल्टी अगर कारोबार को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से यह मुंबई के आसपास के एरिया में काम करती हुई नज़र आ रही है, कंस्ट्रक्शन का, प्लानिंग का। और इसकी जो मार्केट कैप है वो लगभग आप देखेंगे 3424 करोड़ की मार्केट कैप है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 25 रुपये का इसका लो है, 139 का इसका हाई है, और इस समय 119 पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। कम है 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और जो उतार चढ़ाव इस शेयर के अंदर दिखाई दे रहे हैं उससे आपको ये एक बड़ी चीज़ नज़र आ रही है कि इस शेयर के अंदर दाव लगाने के टाइम बहुत बढ़िया मिले थे, और अगर आपने इस शेयर को नीचे से बाय किया तो बहुत बढ़िया पोजीशन पर आप इस समय बैठे हुए हैं।
इसके साथ साथ मैं अगर बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट जो होता हुआ इस क्वार्टर में दिखाई दे रहा है, और प्रीवियस क्वार्टर के अंदर आप देखें तो 506 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसने प्रीवियस क्वार्टर में किया, और इस क्वार्टर के अंदर 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि प्रॉफिट के अंदर कभी भी ऊपर नीचे वाली स्थिति आ सकती है, जैसा कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ ईयरली बाई ईयरली को अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले साल 22 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट बनाया था, और इस साल इन्होंने 126 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनाया है, और उससे पहले -167 करोड़ का घाटा खाया था। यानी कि प्रॉपर्टी का बिजनेस है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो साल से इनकी जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है वो निकलती हुई नज़र आ रही है, और यही रीज़न है कि अडानी जी ने इस शेयर के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर अपना हाथ आजमाया है।